कौन मिया? अच्छा अच्छा बच्चा है ना, एकदम मेहमान हो जाएगा ना, है ना? दुख रहा था, ये लो पैर में करते हैं, ये लो। जरा ध्यान से अब्बासी, नाजुक हड्डियां हैं, कहीं मुड़ गई तो जिंदगी भर के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बीबी, इसीलिए तो सुबह सुबह मालिश करती हूँ नहलाने से पहले, कि हाथ पांव की हड्डियां एकदम मजबूत हो जाएं। कुछ ही दिनों में देखना, हमारे छोटे मियाँ पहलवान हो जाएंगे, है ना? अच्छा चलो अम्मी को जरा अपनी पहलवानी दिखा दीजिए, ऐसे ये वाला। अम्मी ये देखो अम्मी, ये देखो अम्मी। ठीक है ठीक है, जल्दी करो, नाश्ता करना है। हर वक्त चिपका रहता है अम्मी के साथ। ये देखो, ये लो, चलो ये पकड़ो। दो आइए के राजा बेटा, इधर आओ इधर आओ। अच्छा तुम बताओ, चलो मैं बिकराल हूँ। बिकराल क्या है? छोटे मियाँ बिकराल। अच्छा, मेले में जा रहे हो, फोटो खिंचवाने? बड़ी कंगी पट्टी हो रही। लाओ मैं करूँ। अब्बासी अब बस भी करो, चिपकी रहती हो जब देखो उसके साथ। चलो मेज पे नाश्ता लगाओ। हाँ हाँ, बस वो भी मैं ही करूँ। चलो 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 नाश्ता करेंगे, आ जाओ नाश्ता करेंगे। लेकिन खाना तो पड़ेगा। अरे अब्बासी, दूध लाना ताबड़तोड़, और सुनो बाजार जाना तो जरा धोबी को आवाज दे देना। चलो जल्दी जल्दी से, पूरियां आएंगी, गरम गरम पूरियां खाने वाले हम लोग। ये खाएंगे आप? ये खाएं? अरे बीबी, खाते वक्त ये गीले बालों को बांध लिया करो, वरना खाने में नहीं तो मुंह में तो जाएंगे। अच्छा मैं कर देती हूँ, शुक्रिया आनी। अम्मी कह रही थी कि खाने वाला कंगी कर लो। तीन सलवार एक मर्दाना, दो कमीज मर्दाना, दो कमीज और दो कुर्ता जनाना, और एक मेजपोश। बीबी जी, ये तेल का दाग पहले धुलाई में साफ नहीं होगा, भट्टी पर भी नहीं जाएगा। कोशिश करूंगा। हाँ। बीबी जी, चादर, एक चादर और एक सूती फतोई है, फतोई और एक सूती पजामा भी है। बीबी जी, ये किसका है? हमारा तो नहीं है। अब्बासी का होगा, रहने दो, यहाँ लो, खुद ही धो लेंगे। हम भी कितना भार उठाएंगे। तीन दो पाँच छ सात आठ नौ दस। दस? हाँ ठीक है बीबी जी। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरत, हज मालिक निसाब पे फ़र्ज है, जिसको अल्लाह ने इतनी दौलत दी हो कि वो हज कर सकता हो, तो उसी के ऊपर पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज है। जैसा कि हमारे आका ने हज करने का तरीका बताया है, हज करने का सलीका बताया है, उसके मुताबिक अगर आप अरकान को अदा करोगे तभी आपका हज मुकम्मल होगा, और अगर उसके बरखिलाफ़ आप करोगे तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। तो अब जब हाजी हज के लिए जाता है, अगर वह आबे जमजम को भी ना पिए तो उसका भी हज मुकम्मल नहीं होगा। और सुन तो गौर से रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखा है, मेरे आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखा है।
आ गई? किस बाग में सैर करने गई थी? बस रहने दो, तुम्हारे बिना बेहाल नहीं हो जाता है वो। ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूं, बस बच्चे को उठा लिया और सब कामों से बच गए। ये तमाशा कहीं और जाके दिखाना, हम तो शेर हुए। बीबी, एक आध घंटे की ही तो देर हुई है, कोई बहुत बड़ी खता तो नहीं हो गई? ज्यादा जबान मत चलाओ हमारे आगे। साफ साफ क्यों नहीं कह देती बीबी कि दूसरा दरवाजा देखो? हाँ हाँ, तो खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ। खुदा सलामत रखे आपको बीबी, हमारी खता माफ, मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। क्या है, क्या हुआ? बीबी ने जवाब दे दिया है, हम जा रहे हैं। होना क्या है, नहीं जी चाहता नहीं रखते। चलो नसीर बेटे, खाना खा लो, चलो ये सब रखो। हम खाना खाने चल रहे हैं, खाना खाएंगे अच्छा अच्छा सा। लाओ ये दे दो हमें, चलो खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा, अन्नी के साथ खाऊंगा। पर अन्नी चली गई है बेटा। मैं अन्नी के साथ खाऊंगा। वो नहीं आएगी, अन्नी चली गई है। अन्नी नहीं गए हैं, अन्नी के कपड़े टंगे हैं। नसीर बेटा देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अन्नी की जरूरत नहीं है। अब हम ही तुम्हें नहलाएंगे, हम ही तुम्हें खाना खिलाएंगे। मैं खाऊंगा नहीं, मैं लाऊंगा नहीं। नहीं खाएंगे तो भूखे रहेंगे, अन्नी नहीं आएंगी अब इस घर में, समझे? आप क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है उसने, समझाइए उसे। चलो बेटा आओ मेरे साथ, आइए हम लोग खाना खाएंगे चल के, और अब्बू और बेटा दोनों मिलके साथ बैठेंगे और यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है ना? मेरा खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे बेटा? मुझे भूख नहीं लगती है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी करते हैं, खाना तो खाते हैं। बोलो क्या खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा, मैं अन्नी के हाथ से खाऊंगा। बेटा वो अम्मी से नाराज होकर गई है, जब गुस्सा उतरेगा तो आ जाएंगी। कब आएंगे? जब गुस्सा उतरेगा तो आ जाएंगी। कब उतरेगा? बेटा जब आएंगी तो बता देंगी अन्नी। कब? अच्छा चलो हम दोनों मिलकर सोचते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना? और देखते हैं कि जब गुस्सा आता है तो कितनी देर में उतरता है। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, जब आपको गुस्सा आता है तो उसे उतरने में कितनी देर लगती है, बताइए? ऐसे ही अन्नी को गुस्सा आया, उतर जाएगा तो भी आ जाएंगे वापस, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है, बोलो है ना? ठीक है ना? हाँ
शाकिरा क्या हुआ? नसीर कहाँ है? अरे आपके पास तो सो रहा था। हाँ पर या खुदा कहाँ चला गया मेरा बच्चा? या अल्लाह अरे बहन यहाँ दरवाजे पे बैठे क्या कर रही हो? अंदर जी घबरा रहा था, सोचा बाहर आकर बैठ जाऊँ थोड़ा। मैं जानती हूँ कि सोचा होगा नसीर के घर से कोई बुलाने आएगा, है ना? वापस क्यों नहीं चली जाती जब अपने बच्चे से इतना प्यार करती हो तो? गई थी शांति, दरवाजे से जाकर ही वापस लौट आई। जाने बीबी मेरे बच्चे को किस बात पर डांट रही थी। अगर वैसे में जाती तो शायद झोटा पकड़ कर ही निकाल देती। बच्चे को पाल कर बड़ा करो तो क्या मोह नहीं हो जाता उससे? माँ के मोह से कम होता है दाई का मोह। वो क्या सिर्फ नौकरी रहती है? नहीं डरते बेटा, देखो अम्मा की गोद में हो ना तुम। चलो सो जाओ, सो जाओ। अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, सो जाएगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अन्नी अन्नी आ जाएगी बेटा, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ बेटा, अन्नी आ जाएगी। बुखार तेज है क्या? हाँ बेटा अन्नी आएंगी, अन्नी जरूर आएंगी। बोलो बेटा। हाँ हाँ अन्नी के पास जाना है आपको। अन्नी आ जाएगी बेटा, आओ अम्मा की गोद में आओ। हाँ अन्नी। हाँ बेटा बोलो बेटा। अन्नी इधर आओ, यहाँ अन्नी को बुलाते हैं। आ जाओ यहाँ, आ जाओ। अन्नी अन्नी आ रही है बेटा, अन्नी आ रही है। तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। अन्नी आ जाएगी बेटा, अन्नी आ जाएगी। आओ चलो चलो हम सो जाएं। अम्मा है ना, अम्मा है ना बेटा। अच्छा आओ आओ हमारी गोद में सो जाओ, आओ गोद में सो जाओ। आज आज अच्छा 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 सो जाएंगे सो जाएंगे सो जाएंगे। मुँह खोलो बेटा। कुछ समझ में नहीं आता क्या हो गया है। इनका नाक और गला तो सब साफ है, कोई फ्लू भी नहीं कि पकड़ रखा हो, लेकिन बुखार के उतरने का नाम नहीं लेता।
एक काम करिए साबिर मियाँ जी, आप इन्हें शहर ले जाइए और बड़े अस्पताल में पूरा चेकअप कराइए। 5 दिन हो गए, बुखार अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ये तो ठीक नहीं है। जी ठीक, शुक्रिया। सलाम बेबी जी, बच्चा कैसा है? वो कुछ कपड़े लेकर आया था। हाँ रख दो, बाद में गिन लूंगी। बीबी जी मैले कपड़े? बाद में ले जाना। ठीक है। सुनो, ये पैजामा ले जाओ, धुलाई में डाल देना। ये तो अन्नी बीबी का है, पर वो तो चली गई। हाँ पता है। सुनो, तुम उनका पता जानते हो, किधर रहती हैं? बड़े बाजार में अखाड़े वाली गली में रहती हैं वो। अच्छा जाओ। जाकर पता करूं क्या हर्ज है? मुझे तो लगता है बच्चे को उसकी जुदाई ही लग गई है। आप क्यों जाएंगे, मैं खुद जाऊंगी। न जाने तुम्हारे मुंह से फिर से कोई ऐसी बात निकल जाए कि वो आती हो तो ना आए। हाँ, मुझे मेरे बच्चे का कलंक थोड़ी है। उसका पता पता होता तो मैं उसी दिन चली जाती। भाईजान जी फरमाइए। भाईजान ये अन्नी मतलब अब्बासी भी? बीबी वो तो स्टेशन के लिए रवाना हो गई। स्टेशन? जी। कहाँ गई हैं, मतलब कहीं जा रही हैं? हाँ, आज एक टोली हज के लिए रवाना हो रही है। बीबी को सदा आ गई और तड़के तड़के पता चला कि उन्होंने पोटली बांधी और अभी अभी वो निकल गई। साबिर मियाँ, मियाँ साबिर, साबिर साहब, साबिर साहब, आदाब। अब्बासी हज को चली? हाँ मियाँ, जिंदगी का क्या भरोसा, कब आँख बंद हो जाए और फिर अल्लाह मियाँ को भी तो मुंह दिखाना है। वो हमारे नसीर साहब कैसे हैं? आप क्या पूछती हो, बस खुदा से दुआ करना उसके लिए। हाय अल्लाह, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं? हफ्ते भर से सख्त बुखार में मुब्तला है।
बार बार आपको याद कर रहा था, इसीलिए आपके घर गया था। खबर मिली कि आप हज के लिए जा रही हैं। कारे सवाब में रखना डालने का ख्याल भी आया था, फिर सोचा कह तो दूं, दुआ ही कर लेना। हाय अल्लाह, मेरी जान के सदके मेरे नसीर का बाल भी बाका ना हो। अल्लाह मेरे गुनाह बख्शना, मेरा नसीर मेरे लिए तड़प रहा है। मियाँ अब तो मुझे हज की नहीं सूझती, जरा इक्का ठीक कर लीजिए, मैं तो उतरती हूँ। हाँ देखिए, नसीर, नसीर, मेरे बच्चे, कहाँ है मेरा बच्चा? नसीर, नसीर, कैसे हो मेरा बच्चा? कैसा है तू बेटा? कैसा है तू? ये लो बेटे, तूने तो मुझे काबे शरीफ न जाने दिया, अब मेरे हज के सवाब का क्या होगा? तो मैं कहीं ज्यादा सवाब मिला बीबी, एक मासूम जान को बचा लिया, ये तो हज्जे अकबर हुआ। La 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 la